दोस्तों मैं हूँ महाराष्ट्र के एक जंगल में, पास में एक पेड़ है जिसे कहते हैं बरगद का पेड़। अक्सर ऐसी जगहों पे कुछ घर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पाया। अक्सर लोग यहाँ पे जो गांव में रहते हैं जंगल के बीच में, उनके पास उतने साधन नहीं होते, झूले वगैरह नहीं होते कृत्रिम जो कि शहरों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लोग नेचुरल बरगद के पेड़ के तने को जोड़ करके झूला बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बच्चों के इस झूले में एक बूढ़ा जवान जा रहा है झूलने के लिए, देखते हैं क्या ये टूटता है, क्या ये मेरे वजन को बर्दाश्त कर पाता है। लेट्स टेक दिस रिस्क। इसको मैं पकड़ लेता हूँ कहीं ये टूट ना जाए बैकअप के लिए। ओह ये तो काफी मजबूत है, ये तो काफी मजबूत है, काफी सही है। यहाँ पे दिखने में पतला लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले लोग मजबूत होते हैं, वैसे ही। दोस्तों महाराष्ट्र के जंगल से मैं गुजर रहा था कि यहाँ मुझे बहुत सारे अड़ू के पौधे दिखे। अड़ू के पौधों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्तों को रोल करके उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको बेसन वगैरह मिला करके एक तरीके से आप पकौड़ा कह लो वो बनाते हैं और वो खाते। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इसको इस्तेमाल करना। अगर आप इसको अड़ू के अलावा आपके शहर में इसे क्या कहते हैं वो ज़रूर बताएं। क्या आपको पता है जो हल्दी हम खाते हैं वो एक रूट होता है, लेकिन उस पौधे के ऊपर में हल्दी का जो एक फूल होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वो देखने में बिल्कुल बैंगनी और सफ़ेद कलर का होता है। वो अन्य फूलों के मुकाबले उसकी सुंदरता कहीं कम नहीं है। दोस्तों मैं हूँ अभी महाराष्ट्र के जंगल में, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ घर होते हैं तो लोग जनरली यहाँ पे सिगरेट का इस्तेमाल ना करके तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो नेचुरली उसको ग्रो करते हैं, उसको धूप में सुखा करके प्रिपेयर करते हैं। लेकिन चूने का इस्तेमाल, चूने क्या क्या आपको पता हो, चूना तंबाकू को बनाने के लिए एक अहम किरदार निभाता है। तो लोग यहाँ पे एक झाड़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे चूना निकाला जाता है, जिसका नाम मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बताना, लेकिन यहाँ के लोग इसे चूने का झाड़ कहते हैं। अरे बात यह है, चूने का झाड़ डेफिनेटली इसका कुछ ऑर्गेनिकली नाम होगा। अगर नाम आपको इसका पता हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखना। लोग इसे, इसके पत्ते को तोड़ते हैं तो इसे सफ़ेद कलर का लिक्विड निकलता है, जिसको लोग तंबाकू खाने के टाइम पे उसको उसमें ऐसा करके दबा के निकालते हैं। आप इसके टहनी को तोड़ेंगे तो ज़्यादा निकलेगा। जैसे ही आप इसके टहनी को तोड़ेंगे तो देखिए बहुत सारा इससे दूध निकल रहा है एक तरीके से। वो तंबाकू में डाल करके उसको मिलाते हैं, तब जा करके आप यूँ कह लो कि मार्केट में जो अवेलेबल चूना होता है ये उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कहते हैं कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, इसलिए लोग इस तरीके के चूने का इस्तेमाल करते हैं। तो चूने के पेड़ के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को ख़त्म। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें।